हेलो दोस्तों, वेलकम टू और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स। तो मुझे आशा है कि आप सभी को मेरा पहला वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं थर्मल स्ट्रेसेस। तो बेसिकली थर्मल स्ट्रेसेस का रिलेशन बेसिकली टेम्परेचर से, जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो मटेरियल में क्या स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे, मटेरियल कंप्रेशंस में आएगा या टेंशन में आएगा, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो टेम्परेचर थर्मल स्ट्रेसेस पे तीन प्रकार की कंडीशन देंगे, एक तो फ्री एक्सपेंशंस या फुली रिस्ट्रिक्टेड या पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड। फ्री एक्सपेंशंस का मतलब होगा कि एक कैंटिलीवर टाइप में बीम होगी, आप बीम या मटेरियल होगा, इसमें आप टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होंगे। और फुली रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होगा कि दोनों एंड से वो फुली रिस्ट्रिक्टेड होगा, इसका मतलब आप टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो उसमें स्ट्रेस जनरेट हो जाएंगे। वो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, ई अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब है कि टेम्परेचर में डिफरेंस कितना हुआ, जो नॉर्मल टेम्परेचर के बाद में आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया या कितना डिक्रीज किया। अब पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि कुछ सपोर्ट के मध्य आपके गैप रखा जाएगा, गैप गैप होगा तो उसमें स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस गैप जितना जो डेल्टा दे रखा है अपॉन में एक्चुअल लेंथ इंटू ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब बात करते हैं पॉइजन रेशियो की। एक मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं एक्सियल डायरेक्शन में या उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, या फिर बात करें कि कोई भी होमोजीनियस या आइसोट्रॉपिक मटेरियल। होमोजीनियस का मतलब होता है कि उसका जो कंपोजिशन होगा वो पूरे मटेरियल का सेम होगा, और आइसोट्रॉपिक मटेरियल का मतलब होता है कि उसकी डायरेक्शन वाइज, उसके चारों तरफ से डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में बात करें तो मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो कोई भी होमोजीनियस या आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, उसमें आप यदि एक्सियल आप लोड लगाते हो पी लोड, तो उसके अलोंग द लोड आपने जो लोड लगाया पी, उसके अलोंग द लोड तो क्या होगा, इलोंगेशंस, और उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन से होगा वो क्या होगा, उसमें कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा। कॉन्ट्रेक्शन यहाँ पे अपन नेगेटिव साइन लेंगे और इलोंगेशन को क्या लेंगे, पॉजिटिव। और यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस को भी पॉजिटिव लेंगे और कंप्रेशन स्ट्रेस को नेगेटिव लेंगे। तो बात करें पॉइजन रेशियो का मतलब होता है कि जो लेटरल स्ट्रेंथ, जो मतलब उसके परपेंडिकुलर फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो उसकी शेप एंड साइज में जो चेंज हुआ है, उसके लेटरल स्ट्रेन अपॉन में एक्सेल स्ट्रेन, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेटरल स्ट्रेन अपॉन में एक्सेल स्ट्रेन। या नेगेटिव साइन का मतलब है कि जो लेटरल स्ट्रेंस जो फोर्स के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन, तो कॉन्ट्रेक्शन को अपन यहाँ पे क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, स्ट्रेन लेटरल स्ट्रेन अपॉन में एक्सेल स्ट्रेन। तो अब बात करते हैं मल्टी एक्सेल लोडिंग, मल्टी एक्सेल लोडिंग का, या फिर उसको बोल सकते हैं ट्राई एक्सेल लोडिंग, यानी कोई भी। तो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस की बात करें तो सिग्मा एक्स, वाई डायरेक्शन की बात करें तो सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड जेड डायरेक्शंस में। तो अपन बात करेंगे एक्स डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेंथ कितनी हुई, तो सिग्मा एक्स अपॉन में ई, क्योंकि उसके अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था तो लेटरल स्ट्रेंथ होगी, तो क्या होगी, नेगेटिव कॉन्ट्रेक्शन में हो जाएगा, माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई अपन में ई, और सिग्मा जेड और जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, माइनस म्यू अपन सिग्मा जेड अपन में ई। दैट सिमिलरली वाई डायरेक्शन की बात करें तो सिग्मा वाई अपन में ई, ये हो जाएगी एक्सेल स्ट्रेन, और दो बाकी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, लेटरल स्ट्रेन। तो बात और दैट सिमिलरली सिग्मा जेड की भी बात करेंगे तो अपन सिग्मा जेड अपॉन में ई माइनस में जो बाकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्स और वाई है उस पर क्या हो जाएगा, मीटिंग में म्यू सिग्मा एक्स अपॉन में ई और सिग्मा वाई अपॉन में ई। तो अब बात करते हैं इलास्टिक कॉन्स्टेंट। इलास्टिक कॉन्स्टेंट में चार प्रॉपर्टी होगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बुल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन रेशियो। इन चारों में आपस में अपन रिलेशन देखेंगे। आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम उठा के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा आपको इन चारों रिलेशंस के बारे में। तो इसके अपन क्वेश्चन भी करेंगे, अपन की आरआरबी जेई के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रखे हैं अपन इसके क्वेश्चन भी करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जस्ट चैप्टर के खत्म होते ही आप क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। तो अपन चारों रिलेशन एक बार देख लेते हैं, ई बराबर में टू जी वन प्लस में म्यू। अब ई क्या होता है, जी क्या होता है, के क्या होता है, ई अपने अपने हुक लॉ में पढ़ा था कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्ट्रेंथ। अब प्रोपोर्शनल टू कॉन्स्टेंट रहते हैं तो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ई बराबर क्या हो गया कि नॉर्मल स्ट्रेस अपन में नॉर्मल स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब जी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुल ऑफ रिजिडिटी क्या होती है कि शेयर स्ट्रेस अपन में शेयर स्ट्रेंथ, तो शेयर स्ट्रेस अपन में शेयर स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होगी वो होगी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और बल्क मॉडुलस क्या होता है, जो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि एक्सेल स्ट्रेंथ प्लस में जो बाकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेंथ की वैल्यू आई है उन तीनों का आप सम करोगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ अपॉन में एक्चुअल वॉल्यूम कितना था आपके। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बार बार पूछा जाता है कि होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक जो मटेरियल होता है उसका नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस में कोई
रिलेशंस नहीं होता है। होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मेटल का मतलब होता है उसका कंपोजिशन सेम होगा और उसकी डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी मेटल की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम रहेगी। और एक होता है एन आइसोट्रॉपिक मेटल, इसमें क्या होगा कि जो डिफरेंट डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसकी मेटल की प्रॉपर्टी चेंज होती जाएगी। और एन आइसोट्रॉपिक मेटल में शेयर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस दोनों चीज़ें डिपेंडेंट होगी और होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मेटल में एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं होती है। तो दोस्तों अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन के जो आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ रखे हैं। तो इलास्टिक कांस्टेंट के रिलेशंस पे पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मेटल के चैप्टर पे कितने स्ट्रेस स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन होता है उसके एनालिसिस उसके स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व पे जो क्वेश्चन आ रखे हैं अपन। तो दोस्तों अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि बल्क मॉडुलस की वैल्यू जो है दे रखी है, द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इज ट्वाइस इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मतलब जो के की वैल्यू दे रखी है वो ट्वाइस ऑफ रिजिडिटी दे रखी है। तो अपन को फाइनली ज्ञात करना है कि म्यू की वैल्यू कितनी होगी, जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी होगी। तो अपने फॉर्मूले से अपन जानते हैं कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, 3K माइनस में 2G अपॉन में 6K प्लस में 2G। ये अपने फॉर्मूला पढ़ा है तो म्यू की वैल्यू अपन निकल जाएंगे डायरेक्टली, अपन फॉर्मूले पुटअप करके अपन निकाल सकते हैं। 3K की वैल्यू अपन में 2G वैल्यू रख सकते हैं, माइनस 2G अपॉन में 6 इंटू 2G प्लस में 2G। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये होगी 6 माइनस में 4G और 12G प्लस में प्लस 2G, तो 4 अपॉन में 14G। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी की। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्वेश्चन दे रखा अपन को माइल स्टील रोड दे रखी है जो टेपर्ड है। टेपर्ड का मतलब होता है कि एक सेक्शन जो एक सेक्शन पे वैल्यू उसकी डायमेंशन अलग है और दूसरे सेक्शन पे उसकी डायमेंशन अलग है, मतलब ग्रेजुअली उसकी या तो डिक्रीज हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है। तो एक साइड इसकी दे रखी है 30 mm डायमीटर है और उसके दूसरी साइड उसका डायमीटर दे रखा है 12 mm डायमीटर दे रखा है। और पूरे जो टेपर्ड स्टील रॉड की लेंथ दे रखी है 300 mm और उस पर लोड लग रहा है 12 kN, जो एक्सेल लोड लग रहा है 12 kN। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू दे रखी है 2×10⁵ Nm². तो अपन को फाइनली ज्ञात करना है कि इसमें इलोंगनेशन या डिफॉर्मेशन कितना होगा। तो अपने फॉर्मूले से अपन को पता है कि डिफॉर्मेशन कितना होता है, 4PL अपॉन में πE d1 × d2। तो अपन वैल्यू पुट करेंगे, 4P की वैल्यू अपन को दे रखी है 12×10³ किलो न्यूटन को आप न्यूटन में चेंज कर दिया, लेंथ अपन को दे रखी है 300 mm डिवाइड बाई पाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2×10⁵ × d1 30×12। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका डायरेक्टली वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इजी क्वेश्चन, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके और अपन कुछ प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा था कि टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर सस्पेंडेड वर्टिकली एट डिस्टेंस 40 cm एंड शो इन द फिगर बिलो, द अपर एंड इज फिक्स एंड टू सेलिंग द वेल वायर द लोअर एंड द सपोर्ट द रिजिड हॉरिजेंटल बार विच द कैरी द सेंट्रल लोड ऑफ द 1 N मिडवे बिटवीन द वायर्स, डिटेल द टू वायर एज गिवन बिलो। मतलब इसका मतलब है कि आपको दोनों को लेंथ इक्वल दे रखी है एंड लोड दे रखा है जो सिमेट्रिकल दे रखा है। इसका मतलब दोनों का सिमेट्रिकल लोड का मीनिंग क्या हुआ, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट लोड की वैल्यू कितनी होगी, सेम होगी। शायद लोड यहाँ पे 10 N दे देता तो 5 5 दोनों सेम हो जाती है, 1 N दे रखा है तो ½ N दोनों सेम हो जाएगी। अब इसमें कुछ दे रखी कंडीशन दे रखी है, मेटेरियल एक तो कॉपर का मटेरियल है, दूसरा स्टील का मटेरियल है, उसका दोनों का एरिया गिवन है कि 4 cm², स्टील का 2 cm², मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू दे रखी है, इलोंगनेशन का रेशियो अपन को फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्टली अपन जानते हैं कि फॉर्मूला PL अपॉन में AE, पी की वैल्यू अपन को लोडिंग की वैल्यू सेम दे रखी है, एल लेंथ अपन जो दे रखी है सेम दे रखी है। इसका मतलब कुछ डिफरेंट जो वैल्यू है एरिया और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में जो दे रखा है। तो अपन फॉर्मूला में पुटअप वैल्यू कर देंगे कि अपन कॉपर में इलोंगनेशन फाइंड आउट कर लेंगे और स्टील में निकाल देंगे और दोनों का अपन डिवाइड कर देंगे तो उसका रेशियो आ जाएगा। तो अपन वैल्यू पुट करेंगे PL अपॉन में AE, ए कितना इसमें एरिया कॉपर का 4 cm² और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वैल्यू कितनी है 1×10⁶ kg cm². आप इसमें डायमेंशंस का ध्यान रखना कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, mm में स्क्वायर में है, मीटर में स्क्वायर में, ये आप डायमेंशंस पूरी सेम होनी चाहिए, ऐसे डायमेंशन डिफरेंट नहीं होने चाहिए। और इसी प्रकार आप स्टील में निकाल दो PL जो वैल्यू सेम दे रखी है और एरिया कितना दे रखा है 2×10⁶, तो ये कितना हो गया जो इसका दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। तो दोनों का आप रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1 रेशियो आ जाएगा। ये क्वेश्चन आ रखा है UPSC में 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब एक और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट।
हाँ तो एक क्वेश्चन दे रखा था, जो एक क्रॉस सेक्शन दे रखा था प्रिज्मेटिक बार का, ए बी पोर्शन, बी सी पोर्शन एंड सी डी पोर्शंस। इसमें लोडिंग दे रखा था, ए बी पोर्शंस में दे रखा था 3000 kg एंड ए बी पोर्शन में 2000 kg, बी सी पोर्शंस में 10000 kg एंड डी डी पोर्शन पे दे रखा था 5000 kg। अब इसने क्वेश्चन में पूछा था पोर्शन बी सी इज सब्जेक्टेड टू एक्सेल स्ट्रेस, मतलब पोर्शन बी सी पे आपका कितना स्ट्रेस लगेगा। तो इसमें आपको यूनिफॉर्म एरिया दे रखा था 5 cm² आपको एरिया दे रखा था, और आपको निकालना था कि पोर्शन बी सी में स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी। अब क्वेश्चन करने से पहले आप ध्यान रखें कि यदि दोनों की डायरेक्शंस, जो लोडिंग की डायरेक्शन एक दूसरे से विपरीत हैं, तो इसका मतलब आपको क्या मानना है, टेंशन मानना है। दोनों की विपरीत डायरेक्शन है मतलब अवे फॉर्म, तो इसको मतलब क्या माना, टेंशन माना, और टूवर्ड्स आ जाए डायरेक्शन दोनों की तो इसको माना कंप्रेशन। और यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में भी दे रखा था कि टेंशन होगा कंप्रेशन होगा इस जगह। तो बात करें अपन ए बी पोर्शन की, बात करें तो ए बी पोर्शन में 3000 लग रहा है और 2000 और उसके डायरेक्शन में, तो ओवरऑल कितना हो गया 5000 kg हो गया। बी सी पोर्शंस में अब 10000, सी डी पोर्शंस में टूवर्ड्स लग रहा है और डी पोर्शन में टूवर्ड्स लग रहा था 5000, तो उसका रिजल्ट कितना हो गया 5000। तो बेसिकली बी सी पे कितना हो गया 5000, दोनों की ओपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। अब 5000 अपन उसको वैल्यू दे रखी थी, 5000 अपन एरिया कितना हो गया 5, तो कितना हो गया 1000 cm³/cm². तो इसका ऑप्शन अपना डायरेक्टली वैसे टेंशन हो गया ये, बाकी यदि कंप्रेशन भी दे देता तो ये टेंशन वाला अपन को टिक करना था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आरआरबी की जेई में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली। अपन को टेंशन एंड कंप्रेशन के बारे में अपन को ध्यान रखना है कि कौन सा कंप्रेशन होगा कौन सा टेंशन होगा। यदि दोनों की डायरेक्शन विपरीत है मतलब अवे फॉर्म है तो इसका मतलब आपको टेंशन टेंशन डायरेक्शन होगी, और टूवर्ड्स है दोनों की तो अपन की होगी कंप्रेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। हाँ तो अब क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्वेश्चन आया था मैच द मिलान वाला, जो क्वेश्चन आया था आइसोट्रॉपिक होमोजीनियस एंड ब्रिटल मेटल क्या क्या होते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन था कि आइसोट्रॉपिक मेटल क्या होता है। आइसोट्रॉपिक मेटल का मैंने आपको पहले ही बता रहा है कि इसका मतलब है डायरेक्शन से, मतलब आइसोट्रॉपिक एन आइसोट्रॉपिक एंड ऑर्थोट्रॉपिक तीन प्रॉपर्टी होती है मेटल की। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन द ऑल डायरेक्शंस, किसी भी डायरेक्शन में जाइए आप, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, इन तीनों डायरेक्शन में इसकी मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि किसी भी आप डिफरेंट डायरेक्शन में जाओ तो इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट होगी। ऑर्थोट्रॉपिक का मतलब होता है कि इसकी परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, तो उसमें मेटल की प्रॉपर्टी सेम होगी। अब दूसरी बात की इसने होमोजीनियस की बात, होमोजीनियस का मतलब होता है कि पूरे वॉल्यूम की बात करें, जो मेटल का पूरा जो थ्रोड और वॉल्यूम है उसका सिमिलर प्रॉपर्टी रहेगी। आप किसी भी पॉइंट पर चले जाइए, भले आप कॉर्नर पर चले जाइए, बीच में मिड पॉइंट पर चले जाइए, किसी भी पॉइंट पर जाओगे तो उसकी प्रॉपर्टीज का उसका कंपोजिशन होगा ना, बेसिकली बात करें उसका होमोजीनियस कंपोजिशन। आप बात करते हैं तो हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। तीसरा बात होती है ब्रिटल। ब्रिटल आपको पहले बता रखा है, ब्रिटल और डक्टाइल। ब्रिटल का मतलब होता है कि उसकी अल्टीमेट स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, उसमें डक्टाइल कम होगा, इसके इलोंगनेशंस कम होगा। जब वो ब्रिटल होगा उसका जो फेलियर कंडीशन होगी वो इलोंगनेशंस कम होगी, स्ट्रेंथ कम होगी उसकी, जो फेलियर जो कंडीशन होगी उसको कम स्ट्रेंथ में, कुछ ही पॉइंट के बाद आप लोडिंग लगाओगे तो एक अचानक से सडन फेलियर हो जाएगा, उसको बोलते हैं ब्रिटल। तो आप देखिए अब मिलान कीजिए आइसोट्रॉपिक में क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन द ऑल डायरेक्शंस। अब ब्रिटलनेस में बात करता है कि प्लास्टिक जोन नहीं होगा, नो प्लास्टिक जोन का मतलब होता है इसमें प्लास्टिक जोन नहीं होगा। मैंने आपको बता रखा है कि उसमें डक्टिलिटी कम होती है, ब्रिटलनेस का मतलब होता है उसमें नो डक्टाइल, मतलब नो प्लास्टिक जोन। प्लास्टिक जोन का मतलब होता है उसमें डक्टाइल मटेरियल, जो डक्टाइल मटेरियल होगा उसमें प्लास्टिक जोन आएगा। अब दूसरा इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, कि सेकंड स्टेज में स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, सेकंड स्टेज में क्या होगा, थर्ड स्टेज में क्या होगा और फोर्थ स्टेज में क्या होगा। अब फर्स्ट स्टेज में अपन स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व की बात करें तो पहले स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनल टू आता है, इसके बाद में यील्ड आता है या यील्डिंग पॉइंट बात करें तो लिमिट एंड प्रोपोर्शनल टू, इसके बाद यील्डिंग आता है, इसके बाद प्लास्टिक जोन आता है, फिर अल्टीमेट आता है, फिर रप्चर या ब्रेकिंग पॉइंट आता है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनल टू, तो मतलब ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा, दो नंबर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड में क्या आ जाएगा, यील्डिंग आ जाएगा, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। थर्ड में क्या होता है कि अल्टीमेट स्ट्रेस तक पहुंच जाता है, इसके बाद में इसका वो रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो थर्ड में क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर आ जाएगा इस, और डी में क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर है। इसका मतलब अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
दोस्तों कुछ और कमी आपको लगे तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो आप कोई भी क्वेश्चन आप में डाउट हो, चाहे RRB से लेके आपके गेट तक कुछ प्रॉब्लम हो, तो मुझे क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। आपकी कुछ क्वेश्चन को देख के आपके सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं अपन। UPSC में पूछा गया है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बार है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया अपन को दे रखा है A1, इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखी E1। सिमिलरली सेकेंड बार का दे रखा है कि एरिया A2 एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी A2, दोनों को कंपोजिट कर दिया जाए या एक इसका इक्वलेंट अपन को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है। तो अपन निकाल सकते हैं A1 मल्टीप्लाई E1 प्लस A2 मल्टीप्लाई E2 अपॉन में A1 प्लस A2। तो डायरेक्टली फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं कि A1 E1 प्लस में A2 E2 अपॉन में A1 प्लस में A2। अब बात करते हैं बिहेवियर ऑफ द वेरियस मेटल। ये बात कई बार क्वेश्चन अपन डायरेक्टली पूछा गया है कि मेटल की क्या बिहेवियर होता है, कि अब लीनियर इलास्टिक है कि इलास्टो प्लास्टिक है, कि रिजिड मेटेरियल कौन सा होता है, कि फ्लूड मेटेरियल कौन सा होता है। तो लीनियर इलास्टिक का मतलब होता है जो हुक लो की पालन करता है, कि जो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, जो लीनियरली स्ट्रेस के साथ वेरी करता है स्ट्रेन, उसको बोलते हैं लीनियर इलास्टिक। और इलास्टो प्लास्टिक का मतलब होता है जो इलास्टिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, इसके साथ साथ प्लास्टिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। एक बात होती है रिजिड मेटल की बात करते हैं, रिजिड मेटल का मतलब होता है कि इसमें स्ट्रेन की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, उसमें इलास्टिक मतलब शेप एंड साइज में बिल्कुल चेंज नहीं होगा। आप अप्लाइड फोर्स लगाओगे तो उसमें केवल स्ट्रेस ही जनरेट होगा, न कि उसमें शेप एंड साइज में बिल्कुल। और फ्लूड की बात करें तो इसमें स्ट्रेस की वैल्यू नहीं होगी, इसमें केवल स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी। आप जैसे ही अप्लाइड फोर्स करोगे तो इसमें स्ट्रेस फ्री होगा और स्ट्रेंथ की वैल्यू ही होगी। तो इसको बोलते हैं इस आइडियल फ्लूड मटेरियल्स। तो ये बेसिकली चारों डायग्राम आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली आप RRB की इस सिलेबस में अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कि मटेरियल की फेलियर कंडीशंस क्या होती है। बेसिकली मेटेरियल दो प्रकार के फेलियर हो सकता है, एक तो टेंशन फेलियर हो सकता है या फिर कंप्रेशन। आप लोड या तो टेंशन अप्लाइड करोगे तो फेलियर कंडीशन हो सकती है, या फिर कंप्रेशन लोड अप्लाइड करोगे तो इसमें फेलियर कंडीशन हो सकती है। पहली बात करेंगे अपन टेंशन फेलियर। अब टेंशन फेलियर में भी अपन दो प्रकार से फेलियर हो सकता है, या तो डक्टाइल मेटल होगा तो डक्टाइल फेलियर होगा, या फिर ब्रिटल फेलियर होगा। अब बात करते हैं माइल्ड स्टील की। माइल्ड स्टील जो होता है वो शेयर में वीक होता है, तो वो उसमें कौन सा फेलियर होगा? डक्टाइल फेलियर। डक्टाइल फेलियर बेसिकली क्या होता है कि एक आप डक्टिलिटी बढ़ती जाएगी और इंक्रीज के साथ लास्ट में वो क्या हो जाएगी? नेकिंग, मतलब या फिर इसको बोल सकते हैं कप कॉर्न फेलियर हो जाएगा, मतलब 45 एंगल पे आपका फेलियर हो जाएगा। अब ब्रिटल फेलियर क्या होता है? उसमें उसमें नेकिंग इज नॉट फॉर्म एंड फेलियर इज ड्यू टू टेंशन फेलियर। मतलब इसका मीनिंग है कि वो एंगल 90 डिग्री पे फेलियर हो जाएगा, मतलब आप टेंशन जैसे ही अप्लाइड करोगे तो उसका मतलब क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो फेलियर होगा उसको बोलते हैं आपको ब्रिटल फेलियर। और इसी प्रकार आप बात करें कंप्रेशन फेलियर, कंप्रेशन फेलियर में डक्टाइल फेलियर एंड ब्रिटल फेलियर होगा। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि ए बार ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वेरी यूनिफॉर्म फॉर्म ए सेक्शन 2D टू D। यदि इफ एक्सटेंशन ऑफ द बार इज कैलकुलेट ट्रेटिंग इज द बार ऑफ द एवरेज डाया देन द परसेंटेज ऑफ एरर। इसका मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बार है जो ग्रेजुअली टेपर बार है, जो 2D से D की ओर वेरी कर रहा है, तो उससे आप इलोंगेशन निकालिए। और यदि इसी क्वेश्चन को आप एवरेज डायमीटर से, मतलब 2D प्लस D अप बाई 2, मतलब 1.5D से आप कैलकुलेट किया जाए तो इलोंगेशन कितना होगा, कितने परसेंट की एरर होगी। तो अपन फॉर्मूले से जानते हैं कि यदि टेपर्ड बार है तो इसके लिए इलोंगेशन का फॉर्मूला या डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है 4PL अपॉन में पाई ई D1 इंटू D2, 4PL अपॉन में पाई ई इंटू D1 इंटू D2। तो D1 की वैल्यू आप 2D दे रखी है, D2 की वैल्यू आपको D दे रखी है, तो Δ1 आपकी वैल्यू आ जाएगी 4PL अपॉन में 2D² इंटू पाई इंटू ई। दैट सिमिलरली अपन एवरेज डाया से बात करें, बेसिक अपना फॉर्मूला क्या होता है? PL अपन में AE फॉर्मूला होता है। यदि जो आपका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके लिए अपन क्या फॉर्मूला निकालते हैं? PL अपन में AE। तो अपन के पास डायमीटर दे रखा है, एवरेज डायमीटर कितना हो गया? D प्लस में 2D बाई 2 कितना हो गया? 1.5D हो गया। तो PL अपन में एरिया क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 इंटू D² D² की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1.5D² इंटू ई। तो अपने पास Δ2 की वैल्यू आ जाएगी, Δ1 की वैल्यू अपने पास आ गई है, Δ2 की वैल्यू आ चुकी है। तो परसेंटेज ऑफ एरर कैसे निकालेंगे? ओरिजिनल कितना था? Δ1 माइनस में अभी आपके पास कितना आया? Δ2 अपॉन में ओरिजिनल्स। तो Δ1 माइनस में Δ2 अपॉन में Δ1 मल्टीप्लाई, यदि आपको परसेंटेज में निकालना तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा आपके पास 10% आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर करिए, आपको पूरा सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, UPSC में भी पूछा गया है, RRB में भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों,
तो फ्रेंड्स, कल से स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेंथ।